दोस्तों, चाहे तुम इंडिया, दुबई या दुनिया के किसी भी कोने तो कैनेडा आना चाहते हो, बिजनेस ट्रिप, हनीमून ट्रिप, फैमिली विजिट या सोलो ट्रैवलिंग करना चाहते हो, तो इनवाइट करने वाला है या नहीं अपने नाल, चाहे तुम माइनर भी लेके आना चाहते हो, माइनर मीनस अंडर 18, तो इन सब एक ही वीज़ा है जिसने कहते विजिटर वीज़ा। वेट वेट वेट, जो तुहाडे कोल आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप इन्हां देशों का पासपोर्ट है तां तुहानू विजिटर वीज़ा भी लैण की लोड़ नहीं, तुहानू सिर्फ ईटीए चाहिए जो कि ऑनलाइन 5 स्टैप्स के 7 डॉलर खर्च के अपलाई ऑनलाइन अपलाई हो जाता वा, तो जिसका रिस्पोंस कुछ ही मिनट्स में आ जाता है। इस वीडियो आप विजिटर वीज़े दी सारी रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट कैटेगरीज, डॉक्यूमेंट्स ते होल प्रोसैस डिस्कस करांगे, ते होर बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक कि मैं विजिटर वीज़ा ते मैरिज करवा सकदा, विजिटर वीज़ा ते मैं स्टडी या वर्क कन्वर्ट करवा सकदा, जे मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाए मैं एक्सटेंड करवा सकदा, ते मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नूं बुला सकदा वा, ते मैं एक तो ज़्यादा पर्सन ट्रैवल कर सकदा। इन्हां सारयां दे आंसर वीडियो दे एंड ते है, ते वीडियो दे एंड ते कुछ टिप्स भी आ जिहड़ी तुहाडी विजिटर वीज़ा दी फाइल नूं स्ट्रोंग करन च बहुत हैल्प करनगे। दोस्तों, की तुसी अपने इंडिया दे ट्रैवलिंग प्लान जां किसे होर कंट्री दे ट्रैवलिंग प्लान सिर्फ टिकट कॉस्टली होण करके कैंसल जां पोस्टपोन तां नहीं कर रहे? जे हाँ तो इसका सोल्यूशन है एक। हाँ जी दोस्तों, की तुहानूं पता है कि तुसी अपनी एयर टिकट्स दा प्राइस इक्को वार पे करन दी जगह इंस्टॉलमेंट विच भी पे कर सकते हो, ते बस तुहानूं सिर्फ दो चीज़ां दी लोड़ है। गैस करो की हो सकती हैं। चलो पहली मैं दस दिना, पहली है तुहानूं चाहिए एक क्रैडिट कार्ड, दूसरी हूँ तुसी गैस करनी है, नहीं गैस सही, चलो कोई गल नहीं, दूसरा है तुहाडी जान दी इच्छा। जी दोस्तों, जे तुसी एयर कैनेडा की वैबसाइट से टिकट्स बुक करोगे तो तुहानूं पे लेटर करन दी भी ऑप्शन मिल जाती है। पे लेटर चूज़ करन नाल तुहानूं एक फ्लैक्सीबिलिटी मिलती है जिस विच तुसी 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ जां इस तो भी मोर टाइम चूज़ करके अपनी इंस्टॉलमेंट बना सकते। चैरियन का टॉप यह है कि यह भी हो सकता है कि तुहाडा ट्रिप भी खत्म हो जाए तो तुहाडी इंस्टॉलमेंट भी अजे स्टार्ट ना होए, क्योंकि तुहानू 1 मंथ मिलता है, तुहाडी जो पहली इंस्टॉलमेंट है 1 मंथ बाद शुरू होंदी है। एंड बोनस इज़ दैट अकॉर्डिंग टू कंपनी लेट फीस नहीं है, क्रेडिट चेक नहीं होंदा, तो अप्रूवल लैस दैन 2 मिनट्स हो जाता वा। चॉइस इज़ योरस, हैप्पी ट्रैवलिंग, बी सेफ। विजिटर वीज़े दी 4 मेन कैटेगरीज आ। सब तो पहली कैटेगरी आ विजिट एज ए टूरिस्ट, लाइक तुसी टूरिस्ट आ रहे हो, है ना, कि तुहाडा ना तो इतने कोई फ्रेंड या ना फैमिली है, तुहानू कोई इनवाइट करने वाला नहीं है, तो भी टूरिस्ट विजिट कर सकते जिस तुसी अपना हनीमून ट्रिप हो गया या सोलो ट्रैवलिंग होगी, जब वैसे ही कैनेडा एक्सप्लोर करना वो इस कर सकते हो, है ना। सेकेंड है बिजनेस ट्रिप, बिजनेस ट्रिप लाइक बिजनेस के रिकॉर्डिंग कोई मीटिंग अटेंड करनी आ, कोई ट्रेनिंग लेनी आ, जा कोई ऑर्डर प्लेस करना वा, है ना, बहुत सारी कैटेगरीज होर भी है जी बिजनेस के अंडर तुसी कर सकते हो। थर्ड या फैमिली विजिट, फैमिली च दो अगेन अगे सब कैटेगरीज या लाइक इमीजिएट फैमिली मैंबर एंड एक्सटेंडेड फैमिली मैंबर। इमीजिएट लाइक तुहाडे पेरेंट्स हो गए, डिपेंडेंट हो गए, स्पाउस हो गए, है ना, ये इमीजिएट च आ जाते हैं। एक्सटेंडेड च आ जाते हैं तुहाडे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, कुछ होर भी परसन जो एक्सटेंडेड च आ जाते हैं, लिंक मैं नीचे पा दूंगा, तुसी चैक कर लियो। फोर्थ है कंपैशनेट रीज़न, कंपैशनेट रीज़न चाहते हैं जे किसी नूं एक्स्ट्रा केयर चाहिए आ, कोई बीमार आ, जां किसी दा फुनरल अटेंड करना वा, है ना, तो ये कंपैशनेट रीज़न चाहते हैं। ये तुहानूं प्रोपर लैटर चाहिए आ, कुछ होर फॉरमैलिटीज़ आ जो तुहानूं पूरियां करनियां पैंदियां अगर तुसी इस दे विच वीज़ा लगाना है। ये सारे इन्हां सारे कैटेगरीज के डॉक्यूमेंट्स थोड़े थोड़े डिफरेंट होंदे आ, बट बहुत सारे कॉमन ही होंदे आ। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं नीचे पा दूंगा, तुसी चैक कर लियो, तो इस लिंक पर जाके तुसी अपना वीज़ा टाइप कंट्री भी भर के तुसी चैक कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स तुहानूं चाहिए है। तो जे गल करिए विजिटर वीज़ा होंदा की है, लाइक विजिटर वीज़ा एक टैंपरेरी वीज़ा आ, है ना, तो चैक कर लियो कि ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ETA ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6 ਮੰਥ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਨਰਲੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰ ਆਫਿਸਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 6 ਮੰਥ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 6 ਮੰਥ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਜ਼ਟਰ ਰੈਕਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ
ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए वा लाइक पासपोर्ट हो गया, तुहाडी हैल्थ गुड कंडीशन च चाहिए आ, तुहाडी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं चाहिए, क्लीयर होनी चाहिए आ, इनफ फंड्स होने चाहिए आ, ते उस तो बाद तुहाडे स्ट्रोंग टाइज होने चाहिए आ बैक टू द होम कंट्री, तुसी प्रूफ कर सको कि मैं 6 मंथ तक ही रहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं रहूँगा, तो रीज़न वैलिड दो, स्ट्रोंग टाइज शो कर सकते हो लाइक तुहाडे कोल जॉब है परमानेंट बैक टू द होम कंट्री, उत्थे बहुत सारी ड्यूटीज़ है जिहड़ियां तुहानूं बैक टू द होम कंट्री लैके जाणगियां, तुहाडी हैल्प करनगियां, एंड कन्विंस करना बॉर्डर ऑफिसर नूं कि तुसीं वापस जाओगे अपनी वीज़ा ख़त्म होने ते। तो जे गल करिए फीस की, तो फीस $100 फीस आ विजिटर वीज़ा की, तो जे तुहाडे कोल बायोमैट्रिक हैगे आ तो वह भी चल जाएंगे, जे नहीं है तो $85 के बायोमैट्रिक हो जाते हैं। तो जिन्हें भी क्वेश्चन मैं तुहानूं पिछे दसे सी उन्हां सारिआं दे आंसर ही ऐसे आ। विजिटर वीज़ा सेम ही पोर्टल तो अपलाई हुंदा वा जिस ते आपां सुपर वीज़ा दी वीडियो बना चुके हैं, तो चैक कर लिओ, सेम ही पोर्टल आ जिथे तुसीं सुपर वीज़ा सिलैक्ट कर रहे सी उत्थे तुसीं विजिटर वीज़ा कर लैणा वा। ऑप्शन जिहड़ियां मैं कैटेगरियां दस चुके उन्हां चों सिलैक्ट कर लिओ, प्रोसैस ऑलमोस्ट सेम ही आ। कुछ होर टिप्स आ जो तुहानूं हैल्प करनगियां, वह टिप्स आ लाइक तुहाडा रीज़न अनक्लीयर है ना विजिट करन दा, वो तुसी स्ट्रोंग रीज़न दो, कन्विंस करो बॉर्डर ऑफिसर नूं। ते इनसफिशेंट परसनल एसेट लाइक तुसी अपने लिंक्स ही नहीं वधिया तरह शो कर पाए बैक कंट्रीज, है ना कि तुहाडे कोल प्रॉपर्टीज़ आ, तुहाडे कोल जॉब आ जां होर रिस्पोंसिबिलिटी आ। जिहड़े तुसीं फंड्स प्रोवाइड कर रहे हो वो मेक सेंस नहीं कर रहे, है ना, तुसीं फंड शो कर रहे हो मैं कोई 1-2 लाख रुपया वा ते रहना तुसीं 6 मंथ लिए, है ना, ए लाइक अनक्लीयर हो रहा वा, मतलब मैच नहीं हो रहा, ये भी रीज़न होंदा वा। ते डॉक्यूमेंट्स तुसीं नहीं दे रहे हैगे, है ना, लाइक ट्राई करो जिहड़े ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी है वह भी दो, ते जेन्युइन दो। lack of stability in your home country and a lack of ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਬਾਏ।